कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो अंतरिम आदेश लगाया गया है यूपी सरकार के फैसले पर वो अभी बरकरार रहेगा। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जहां पर मांग उठ रही है नेम प्लेट लगाने की, वो भी एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। यूपी सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा था ये आपको बता देते हैं। यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कांवड़ियों की परेशानी को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया था। आपको ये भी बता दें कि ये आदेश यूपी सरकार ने जारी आखिर किया कैसे था। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ है मुजफ्फरनगर की पुलिस की उस एडवाइजरी से, जिसके बाद यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर की एडवाइजरी को पूरे राज्य में ही लागू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 22 जुलाई को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले यूपी सरकार इसका जवाब दे कि उन्होंने किस आधार पर यह आदेश जारी किया है। अब आज के दिन यूपी सरकार ने जवाब में कहा कि कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, कांवड़ रूट पर कई ऐसे दुकान, कई ऐसे ढाबा रेस्टोरेंट होते हैं जहां पर कांवड़ियों को खाने में भ्रम रहता है कि क्या वो यहां पर खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसीलिए यह आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने यह भी कहा कि किसी भी तरह के धार्मिक भावनाओं को में भेदभाव फैलाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं था, यह आदेश सबके लिए था। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि जितनी भी पुलिस कांवड़ रूट पर मौजूद है उन्हें हमने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। मांस की दुकान के अलावा किसी और दुकान पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। कांवड़ रूट बहुत लंबे लंबे उत्तर प्रदेश में होते हैं, कई सारे कांवड़िये जो है वो उत्तर प्रदेश के बेल्ट में आते हैं और जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसे में कई कांवड़ियों का व्रत भी होता है। वहां पर प्याज और लहसुन की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की तरफ से यह आदेश सुनाया गया था। ये कोर्ट में जो है यूपी सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि कांवड़ियों की परेशानी, कांवड़ियों की शिकायतें बहुत ज्यादा आती थी कांवड़ रूट पर, इसीलिए ये आदेश जारी किया गया था। बता दें कि जैसे ही यूपी सरकार ने नेम प्लेट मामले पर आदेश राज्य में जारी किया, फौरन से मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तराखंड में भी इसकी मांग जोर शोर से उठने लगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अंतरिम रोक लगा दी और कहा था कि यूपी सरकार अपना जवाब दे। यूपी सरकार के जवाब देने के बाद कोर्ट की बड़ी बात यह थी कि कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी एक हफ्ते के अंदर ये बताए कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखा हो। साथ ही आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई यूपी सरकार के जवाब पर, तो कोर्ट की बड़ी बातें ये भी थी कि नाम लिखना खुद की मर्जी होगी दुकानदार की कि क्या वो लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, उनसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। इंतजार करना होगा, एक हफ्ते बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की तरफ से भी, क्योंकि जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद की सुनवाई और भी ज्यादा अहम हो जाती है।